साथियों, ये तो रही सवाल की बात, आपने सरबजीत जी का इलेक्शन जो है वो बड़ी लगन से लड़ा। विधायिका नैना जी का एक मौके यहां से टिकट काट करके बाड़ा चले जाना, ये हमारे हल्के के कार्यकर्ताओं के लिए एक गहरा झटका था। और आम चर्चा ये गली गलियारे में थी कि अब बात कैसे बढ़े, अब कौन संभालेगा। और यहाँ तो क्योंकि घर की सीट मानते हैं तो आदमी भी ये सोचता है परिवार का आदमी लड़े। ऐसा संभव नहीं था कि हम तीनों चुनाव लड़ते। अगर तीनों चुनाव लड़ते तो हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, जहाँ जिस स्थिति तक हम पहुंचे नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए ये फैसला लिया कि पार्टी के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट दी जाए और फिर उन पर छोड़ दिया जाए। इसलिए आप सबकी राय मशवरा और सहमति से सबसे मेहनती ईमानदार नेक और जिसने आपकी बहुत सेवा की सरबजीत जी को पार्टी ने टिकट दे करके भेजा। पहले दिन जहां आपका चुनाव था मुझे वो दिन भी याद है, और जहां तक आप चुनाव को अंतिम दिन तक ले गए मैं आपका जितना आभार कम करूं उतना शायद कम होगा। मैंने पहली लाइन ये कही थी, भाई चुनाव अमित सिहाग ने जीता है मगर दिल सरबजीत ने जीते हैं। जवाब पर सरबजीत जी थे, इनकी शालीनता थी और वो बिगड़े बोल वाले आपने ठीक ठिकाने लगा दिए। ऐसों की तो पहले ही कमी नहीं थी और ये कुछ और नए एंट्री करना चाहते हैं। और दिक्कत तो जनमत फैसला करती है प्रजातंत्र, और बड़ी बड़ी दिक्कतों को दूर कर देती है। तो ये जनता है, इसका फैसला सर्वोपरि है और आपने अपनी सीट को मजबूत रखा है। लोकसभा के चुनाव में जो वोट आपको मिला आपने उस वोट को बढ़ाने का काम किया, और कार्यकर्ताओं की मेहनत, वोट हमें कितने भी आए मगर मेहनत में कोई कमी नहीं थी। लोग आखिरी तक ये कहते रहे कि अगर ये काम बन जाए तो सरबजीत जी जीत जाए, ये बन जाए तो सरबजीत जीत जाए, लास्ट तक लोगों में चर्चा थी, ठीक है नहीं थी। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। चिंता ना करो सरबजीत जी, अगली बार मैं और आप इकट्ठे चलेंगे विधानसभा में। इसलिए आप कभी कोई कमी महसूस ना करें। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा ये सरकार आपकी सरकार है, ये राज आपका है, और इसके संभाल करके रखना भी आज ये जो ताज है जिम्मेवारी का कांटो भरा ये हमारे सिर पर है, इसे हमें बड़ी जिम्मेवारी से आगे लेकर के चलना है। हो सकता है कि सारी ताकत जब हाथ में नहीं होती तो सारे काम नहीं बनते, मगर जितनी ताकत आपके हाथ में है उस ताकत से इस हलके के लिए तो हम और विशेष तौर पर मैं जिम्मेवारी लेता हूं, कोई कमी नहीं रहने देंगे। फिर से आपका आभारी हूं, मैं आप सबका धन्यवादी हूं। 8 तारीख का कार्यक्रम ऐतिहासिक करो, उसके लिए तैयारी आज से शुरू करो, घर घर न्योता दो, सबकी इच्छा है। सिर्फ साधनों की गाड़ियों की व्यवस्था वैसे तो कोई ज्यादा दूर नहीं, 30 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा ऐतिहासिक इस सभा को बनाने के लिए आप कल से मेहनत करो, ये मैं आप लोगों से गुजारिश करने आज आपके बीच में आया। आपने मेरी बात सुनी, सरकार में आप आज हिस्सेदार बन गए, और दवाली की चौधर फिर से दवाली में लौटी है। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी हमारे लिए तो चीफ मिनिस्टर ही है कि नहीं है। ओहो रुक जा, मेरे वाला टाइम हो रहा है, मुझे पता ये ठेके भी तो सेन जी ने बंद करवा दिए। आप पधारे, आप 8 तारीख की तैयारी करो। बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा।